IVF means in vitro fertilization, and ICSI means intracytoplasmic sperm insemination. नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट क्रिस्टा IVF पटना, प्रैक्टिसिंग ऑप्स एंड गायनी सिंस लास्ट 11 टू 12 ईयर्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी ICSI और IVF के बारे में। IVF means in vitro fertilization and ICSI means intracytoplasmic sperm insemination। पहले जो IVF होते थे वो एक्चुअली हम लोग ओवम जो लेते ओवम पिकअप करने के बाद जो ओवम होता था उसमें कुछ मिलियंस ऑफ स्पर्म एक पेट्री डिश में डाल के और छोड़ देते थे और वो खुद से फर्टिलाइज करता था, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ICSI इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम IVF। इसमें हम क्या करते हैं, ओवम पिकअप करते हैं, उसके बाद एक ओवम में एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू माइक्रो मैनिपुलेटर, थ्रू ICSI जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ICSI का, उसके थ्रू है ना। इसमें हम हमारे एम्ब्रायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि जो स्पर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव, मोटाइल, मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट हो उसको इंजेक्ट करते हैं हमारे बेस्ट ओवम में, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट दे सकें। तो ये पहले जो IVF होते थे जो पेट्री डिश में रख के एक ओवम पे पूरे स्पर्म को छोड़ा जाता था और नेचर पे छोड़ देते थे, जो स्पर्म सबसे बेस्ट होगा वो जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। अब ये पद्धति थोड़ी और एडवांस हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा बढ़ा है और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे। जो पहले 20-30-40% सक्सेस रेट था, अब ICSI के द्वारा ये 70-80-90% तक, अगर अदर फैक्टर्स हम सारा अच्छे से एनालाइज कर ले तो ICSI के थ्रू ये सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी, कुछ टेस्ट करते हैं हम अगर कोई इनफर्टाइल कपल आता है कि हमें ICSI के लिए जाना है या नहीं, उसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं। पहले मेल पार्टनर को एनालाइज करते हैं, इसको सीमेन एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट्स कितना है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी मोर्टिलिटी कैसी है, कुछ इन्फेक्टिव पार्ट है कि नहीं है, और ये सब एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड होता है कि उसे ICSI की ज़रूरत है या नहीं। उसके बाद फीमेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फीमेल पार्टनर्स के इन्वेस्टिगेशन में कुछ टेस्ट हैं, जैसे हार्मोनल प्रोफाइल से रेडियोलॉजिकल टेस्ट में हम अल्ट्रासाउंड और HSG करते हैं, और कुछ जनरल टेस्ट करते हैं कि ओवरऑल पेशेंट फिट है कि नहीं हमारे ICSI प्रोसेस को झेलने के लिए। और अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो एक हेल्दी पर्सन ही अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है तो आगे वो प्रेगनेंसी को कैरी कर सकता है। अगर उसमें कुछ लूप होले तो हम पहले उसको ट्रीट करते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि फीमेल में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले रेडियोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूजुअली ये TVS द्वारा किया जाता है, ट्रांसवेजाइनल, जिसमें हम देखते हैं कि अंडा कैसा है। उसमें डे टू में यूजुअली हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि एंट्रल फॉलिकुलर काउंट्स उसके कितने हैं, उस समय उसके अंडे कितने बन रहे हैं। उसके बाद बच्चेदानी को देखा जाता है, बच्चेदानी का साइज़ क्या है, उसकी लाइनिंग कैसी है, उसमें कुछ एनोमली है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी लाइनिंग सही है कि नहीं, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये सब हम देख सकते हैं। अब आ गया आपकी नली, जिसको ट्यूब्स बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, उसको देखने के लिए एक एक्सरे किया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे होता है जिसको हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये यूजुअली डे 5 to day 10 के बीच में किया जाता है। एक डाई डाली जाती है बच्चेदानी के थ्रू, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है। अगर प्रॉपर स्पिलेज है डाई का, दैट मीन्स कि फैलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं पेशेंट के, और अगर डाई ब्लॉक कहीं होगा तो स्पिलेज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स पेशेंट के किए जाते हैं, जैसे एंटी मलेरियन हार्मोन। अगर एंटी मलेरियन हार्मोन बहुत ही कम है, less than 1 or 1.5 है, दैट मीन्स उसका ओवेरियन रिजर्व कम है। देन LH-FSH अगर बहुत हाई है या लो है तो उस पर भी हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर पेशेंट इज़ हाइपोगोनाडोट्रॉपिक और हाइपोगोनाडोट्रॉपिक हाइपोगोनाडिज्म, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चेंजेस होते हैं। फिर आ जाओ हम लोग कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स, जैसे थायरॉयड लेवल, वो भी देखते हैं, बिकॉज ये भी ओव्यूलेशन को इफ़ेक्ट करता है।
और ब्लड शुगर देखते हैं कि पेशेंट फिट है कि नहीं है, CBC अदर जनरल टेस्ट में CBC कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, वायरल मार्कर्स कराते हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और VDRL दोनों मेल और फीमेल पार्टनर का, बिकॉज दोनों हेल्दी रहेंगे तो आगे अगर प्रेगनेंसी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं तो पेशेंट हेल्दी रहे, इसलिए ये सब जनरल टेस्ट कराते हैं। जो भी इनफर्टाइल कपल आते हैं तो हमें देखना होता है कि ये सारे टेस्ट प्रॉपर हैं, और अगर काउंट्स कम है पेशेंट के या ट्यूबल ब्लॉकेज है फीमेल पार्टनर का, ओवेरियन रिजर्व कम है, देन ये सब प्रोसेस को देखते हुए जब इंडिकेशन बनता है तभी हम लोग इक्सी करते, नहीं तो अगर कुछ ड्रग्स की ज़रूरत है जो उनको ट्रीटमेंट करके अगर वो फर्टिलिटी को अचीव कर ले या उनकी प्रेगनेंसी ठहर जाए तो दवा दी जाती है, नहीं तो अगर ट्यूब्स ओपन है, ओवेरियन रिजर्व ठीक है, हस्बैंड का काउंट्स ठीक है, मॉर्फोलॉजी ठीक है सीमेन स्पर्म की, तो IUI भी कर सकते हैं। तो इक्सी के पहले ये सारे टेस्ट करने होंगे, डायग्नोसिस बनानी होती है, तब हम लोग जाके इक्सी करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी जानकारी देने की कोशिश की, इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।